नमस्कार दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के यूट्यूब चैनल आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत। अपडेट फाजिल का जरिए फाजिल का में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिव्यांगों संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह की शुरुआत की गई है। इसके दौरान आज सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्थित जिला स्पेशल रिसोर्स सेंटर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर दिव्यांग बच्चों के साथ केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर नगर कौंसिल के प्रधान राकेश धुड़िया, पूर्व मंत्री सुरजीत कुमार जैनी, भाजपा के जिलाध्यक्ष सुबोध वर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित हुए, जिनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की बधाई दी गई। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। भारतीय जनता पार्टी वालों अज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म सप्ताह मनाया जा रहा है। उनके उपलक्ष्य के भारतीय जनता पार्टी मंडल फाजिलका वालों अज गौरमेंट गर्ल्स स्कूल दिव्यांग बच्चों के नाल सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस तो बाद अस्पताल वृद्ध आश्रम जावणगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने सारे देश नूं एक लड़ी दे विच परो दित्ता है, उस तरह ही अपन सारे ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आम जनता ने भी ये निश्चय किया भी भारतीय जनता पार्टी के नाल रल के एक सप्ताह का सेवा सप्ताह। सेवा सप्ताह का मतलब है तुसी कोई भी प्रोजेक्ट लै सकते हो, सफाई का लै सकते हो, दिव्यांग बच्चों लै सकते हो, गरीब बच्चों लै सकते हो, वृद्ध आश्रम लै सकते हो। उस लड़ी के अज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया। किस तरह का कार्यक्रम से इन बारे जानकारी? आज साडे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है। उन्होंने जो जीवन है पूरा जीवन ही सेवा का, जो कि पार्टी ने फैसला किया है कि एक वो प्रधानमंत्री जी की पूरी जिंदगी देश की सेवा वास्ते समर्पित है। उस प्रधानमंत्री का जन्मदिन है जो पार्टी सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है। इस 14 से 20 तक सेवा सप्ताह मनीना सी। अज असी जो दिव्यांग बच्चे ने जो ईश्वर ने इन्हों इतने एक विशेष आपकी कोई सहूलत देकर भेजे, उन्होंने बच्चों में आके अज असी उन्हें जन्मदिन मनाया है मोदी जी का। अभी समझते हैं भी पार्टी ने जो सोच सोची थी असी आप वालों पूरा उसका उपराला कर रहे हैं। तो ईश्वर इन्होंने बच्चों का भविष्य है, इस देश का भविष्य है, तो मोदी का भविष्य खूब उजुर्ग करे, ये साड़ी मनोकामना है, शुभकामना है। इतने का सारा स्टाफ बहुत बधाई का पात्र है, जोड़ा इन्होंने दिव्यांग बच्चों वास्ते एक जिमें बच्चे सेवा करते हैं, वो एक घर के बच्चे समझ के सेवा कर रहे हैं। ये बच्चे ये जो टीचर ने यह सब बधाई के बहुत पात्र ने। बहुत बहुत धन्यवाद।